हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। सियासत ने इमरान निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इतना बड़ा प्लेयर, पूरी दुनिया में जिसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और कैप्टेंसी की तारीफ़ें होती थी। अगर एस बैट्समैन खेले तो बैटिंग में एवरेज बैट्समैन के बराबर, अगर कई विकेट्स एक साथ गिर गए तो ऊपर की तरफ बैटिंग के लिए आ गए और पाकिस्तान की बैटिंग को स्टेबिलिटी दी। वेल एडुकेटेड, अच्छी फैमिली के, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, लिबरल ख्यालात के, लेकिन एज पॉलिटिशियन, एज प्राइम मिनिस्टर डिसअपॉइंट किया है, डिजास्टर है। इमरान खान ने साबित किया कि प्रधानमंत्री बनने से कोई ग्रेट नहीं होता, बल्कि अक्सर कोई ग्रेट होता है प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ग्रेटनेस उसकी खत्म हो जाती। कोविड के मैनेजमेंट पर WHO ने भी उनकी तारीफ की। बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। कई जगह उसकी तारीफें हुई, लेकिन अब इमरान खान ने रेप के बारे में, औरतों के बारे में इतना घटिया बयान दिया है कि लगता है कि ये इमरान वो इमरान नहीं है जिनकी लोग तारीफें किया करते थे। क्या सत्ता का लोभ इतना बढ़ गया कि इमरान विक्टिम्स के खिलाफ बोल रहे हैं, रेप के, औरतों के खिलाफ बोल रहे हैं? उम्मीद तो यह थी कि इमरान देश को मॉडर्निटी की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान में जो कंजर्वेटिविज्म और ऑर्थोडॉक्सी है, जो फ्यूडलिज्म है, उसको खत्म करेंगे, एक इनलाइटेंड और लिबरल देश बनाएंगे। लेकिन लगता है इमरान खान को मालूम ही नहीं कि रेप क्राइम ऑफ लस्ट नहीं है, क्राइम ऑफ पावर है, क्राइम ऑफ कंट्रोल है। हिंदुस्तानी मूवियां तो देखते होंगे, दामनी पिक्चर देखें, किस तरीके से अमरीश पुरी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और दिखाते हैं समाज का एटीट्यूड एक रेप विक्टिम की तरफ। स्टोरी यह है कि जोनाथन स्वैन, एक्सियोस HBO के, उन्होंने इंटरव्यू किया इमरान खान को और रेप और वल्गैरिटी के बारे में उनसे बात की। वेस्टर्न सोसाइटी और ईस्टर्न सोसाइटी के बारे में बात हुई और फिर इंटरव्यूअर स्वयं ने उनसे पूछा कि क्या वो समझते हैं कि औरतें जो पहनती हैं उसका कोई असर होता है। तो इतने बड़े प्लेयर ने जो जवाब दिया उसको पढ़कर शर्म आती है। इमरान खान ने कहा, इफ अ वुमन इज वेयरिंग वेरी फ्यू क्लोथ्स, इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द मेन अनलेस दे आर रोबोट्स। आई मीन, इट्स कॉमन सेंस, इट्स नॉट कॉमन सेंस। न सिर्फ औरतों की बेइज्जती की, बल्कि इमरान ने यहां उन मर्दों की भी बेइज्जती की जो कम पहनने वाली औरतों के साथ कोई ज्यादती नहीं करते। तो क्या वो रोबोट्स हैं? अब मामला तो यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का यह पार्टीशन एक आर्टिफिशियल पार्टीशन है। चाहे यहां के लोग हों, चाहे वहां के लोग हों, खमीर एक है, DNA एक है, इसलिए बातें भी एक सी हैं। मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं, लड़के लड़के हैं, बॉयज आर बॉयज। बदायूं का रेप हुआ, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन हमारे देश की, उसकी मेंबर चंद्रमुखी देवी, बदायूं गैंग रेप और मर्डर के इंसिडेंट में इंक्वायरी करने गई और वहां जाके फरमाया
कि विक्टिम को शाम में बाहर नहीं निकलना था। ये उतनी घटिया बात है जितनी इमरान खान की। विमेन कमीशन की मेंबर कह रही है इवन अंडर एनी इन्फ्लुएंस अ विमेन शुड कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड शुड नॉट वेंचर आउट लेट, परहैप्स हैड द विक्टिम नॉट गॉन आउट इन द इवनिंग और गॉन अलोंग विद अ फैमिली मेंबर शी कुड हैव बीन सेव्ड। नॉनसेंस। एक औरत है, नेशनल विमेन कमीशन की मेंबर है, हमारे जजेस के बारे में देखिए, 22 जून 2020 को रेप के विक्टिम को कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित एडवांस बेल दे रहे हैं और जो सेंटेंस उन्होंने लिखा उसको पढ़कर शर्म से मेरा सर झुकता। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द कंप्लेनेंट that after the penetration of the act, she was tired and fell asleep is unbecoming of Indian women. That is not the way our women react when they are ravished. एक औरत के साथ जुल्म और ज्यादती हो गई, उसके बाद अगर वो सो गई तो it is unbecoming of Indian women. लेकिन ये भारत देश है, यहां इमरान खान की तरह जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं हुई। हम सब ने इसकी अपोजिशन की और जब हंगामा हुआ तो जज साहब को 2 जुलाई को ही अपने इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को एक्सपंज करना पड़ा। बंबई हाई कोर्ट का देख लीजिए, बंबई हाई कोर्ट कह रही है कि अगर किसी ने शादी का वादा करकर वादा तोड़ दिया तो ये ना चीटिंग है ना रेप है। जस्टिस मृदुल भटकर ने जमानत देते हुए कहा इट इज एन अनफॉर्चुनेट केस ऑफ फ्रस्ट्रेटेड लवर। मद्रास हाई कोर्ट का देख लीजिए, रेप के एक्यूज को जमानत दे रहे हैं ताकि वो मीडिएट कर ले विक्टिम से, बाद में सुप्रीम कोर्ट को स्टे करना पड़ा। और कौन भूल सकता है राजस्थान का वो जजमेंट भवरी देवी का, 1995 गैंग रेप हुआ 1992 में, राजस्थान की अदालत ने छोड़ दिया है कि उसको, और क्या रीजंस दिए हैं, ये अपर कास्ट के लोग हैं, हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट की औरत का रेप नहीं कर सकते, वो तो उसे छुएंगे भी नहीं, फॉर रीजंस ऑफ प्योरिटी। यह कैसे मुमकिन है कि हस्बैंड मौजूद रहा हो और उसने रेप देख लिया हो बीवी का? यह कैसे मुमकिन है कि 60-70 साल की उम्र के मर्दों ने रेप किया हो? यह कैसे मुमकिन है कि एक रिश्तेदार मौजूद हो और दूसरे रिश्तेदार ने रेप किया हो? 25-26 साल हो गए, इसकी अपील अभी तक तय नहीं हुई, लेकिन हम सब इसका और इस तरीके के जजमेंट्स का विरोध करते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, टीवी चैनल पर टॉक हो रही है, वैसे हमारे टीवी होस्ट भी बहुत खराब हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान टीवी चैनल के होस्ट ने औरतों को टॉफी से कंपेयर किया और कह रहे हैं कि साहब जैसे अनरैप्ड कैंडी सड़क पे पड़ी हो और उसे कोई छूता नहीं, कि वायरसेस और बैक्टीरिया और जर्म और इंसेक्ट्स अनरैप्ड टॉफी पे आ गए होंगे। कि ये प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मीडिया कह रहा है, विक्टिम ब्लेमिंग से घटिया और नीची चीज कोई नहीं हो सकती। और सियासत देखिए, 3 वहां की पाकिस्तान की
विमेन पार्लियामेंटेरियंस इमरान खान की पार्टी की, कह रहे हैं नहीं 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 इमरान ने विक्टिम को ब्लेम नहीं किया। ये औरतें भूल गईं कि इमरान से सवाल पूछा था, इफ अ वेमेन इज वियरिंग वेरी फ्यू क्लोथ्स, इमरान जैसे पढ़े लिखे इतने ग्रेट प्लेयर से जिसको इतना एक्सपोजर है इंटरनेशनल कल्चर्स का, एक्सपेक्टेड ये था कि वो कहेंगे इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, औरतें क्या पहनती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी चॉइस है। जैसे कि अगर कोई औरत बुरखा ओढ़ती है वो उसकी चॉइस है, अगर उसके इंपोज नहीं किया जा रहा बुरखा। मैं समझता हूं कि इमरान खान के इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के लिबरल्स बड़े डिसअपॉइंट हुए होंगे। औरत कब बाहर जाती है या अकेले जाती है, किसी को बता के जाती है नहीं जाती है, इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए रेप से। जैसे मर्द कभी भी जा सकते हैं, औरतें भी जा सकती। अभी हमारे अपने देश में तरुण तेजपाल, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, उनके खिलाफ एलिगेशंस थे, उस पर गोवा की कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। कहा कि साहब प्रिंट आउट ऑफ फोटोग्राफ्स क्लियरली प्रूव दैट प्रोसिक्यूट्रिक्स वॉज एब्सोल्युटली इन अ गुड मूड, हैप्पी, नॉर्मल एंड स्माइलिंग, शी डिड नॉट लुक डिस्ट्रेस्ड और ट्रॉमाटाइज्ड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, दो दिस वॉज इमीडिएटली अ फ्यू मिनट्स आफ्टर शी क्लेम्स टू हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड बाई द एक्यूज पुटिंग हर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक एंड ट्रामा। अपील हो गई है इसकी बॉम्बे हाई कोर्ट में, मोस्ट लाइकली ये जजमेंट ओवरटर्न होगा। विक्टिम का बिहेवियर उस ट्रॉमे के बाद क्या हो ये जजेस को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 2020 का ही जजमेंट है, जस्टिस मंसूर अली शाह का, अ वेमेन वॉट एवर हर सेक्सुअल कैरेक्टर रेपुटेशन मे बी इज एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो वन हैज द लाइसेंस टू इन्वेड हर पर्सन और वॉयलेट हर प्राइवेसी ऑन द ग्राउंड ऑफ हर अलेज्ड इमोरल कैरेक्टर। दरअसल हिंदुस्तान में भी इंडियन एविडेंस एक्ट में यह प्रोविजन पहले था कि अ प्रोसिक्यूट्रिक्स इज अनवर्दी ऑफ अ विटनेस। वो जो अमरेश पुरी कर रहे हैं दामनी में, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश में भी पहले ये लॉ था कि अगर ये साबित कर दिया जाए कि विक्टिम इज अ वेमेन ऑफ इजी वर्चू, उसकी पास सेक्सुअल कंडक्ट, तो फिर ये कह दिया जाएगा कि साहब वो तो कंसेंट थी उसकी, हमने अपने लॉ में बदलाव किया है। अब उसकी टेस्टिमनी सेंट्रल टेस्टिमनी होगी। मंसूर अली शाह ने अपने जजमेंट में लिखा, इवन इफ विक्टिम ऑफ द रेप इज अकस्टम टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट इज नॉट डिटर्मिनेटिव इन अ रेप केस, द रियल फैक्ट इन इशू इज वेदर और नॉट एक्यूज कमिटेड हर रेप। और उन्होंने कहा इस तरीके के एक्सप्रेशन हैबिचुएटेड टू सेक्स, वेमेन ऑफ इजी वर्चू, वेमेन ऑफ लूज कैरेक्टर, नॉन वर्जिन, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इस लिबरल जजमेंट की तरफ ध्यान देंगे। सत्ता में रहने के लिए आर्मी से सरेंडर, ऑर्थोडॉक्सी से सरेंडर, ये उनको शोभा नहीं देता। लीडर ना बने, स्टेट्समैन बने, पॉलिटिशियन ना बने, स्टेट्समैन बने। यकीनन उनके देश की इकोनॉमी की कंडीशन खराब है, इकोनॉमी भी ठीक करें लेकिन सोसाइटी में एक सिविक कल्चर लाएं जिसमें औरतों की
इज्जत हो, उनको बराबर का शहरी समझा जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।